मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मनुष्य के मृत्यु के बाद जो पापी प्रवृत्ति के आत्मा होते हैं उन्हें यमलोक तक पहुंचने में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है व उस आत्मा को किस प्रकार यमदूत दंडित करते हुए यमलोक तक ले जाते हैं, व आज के वीडियो में यमपुरी में मौजूद उन 7 प्रकार के नरकों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प में नरक के स्वरूप व नरकों को प्राप्त होने वाले विविध यातनाओं का वर्णन किया गया है एवं नरक में गिराने वाले कर्म एवं जिनकी गति का वर्णन किया गया है, जिसमें 7 प्रकार के प्रधान नरक का श्रीहरि विष्णु ने वर्णन किया है। मैं आज उन्हीं नरकों के बारे में बताऊंगा। जब पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से नरक के बारे में पूछते हैं तब श्रीहरि विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करना संभव नहीं है, परंतु मैं तुम्हें 7 प्रमुख नरकों के बारे में बताता हूँ। सभी नरकों में प्रधान नरक का दर्जा रौरभ को प्राप्त है। झूठी गवाही देने वाले, झूठ बोलने वाले व्यक्ति रौरभ नामक नरक में जाते हैं, जिसका विस्तार 2000 योजन है। जांघ भर की गहराई में वहाँ अति भयानक गड्ढे हैं। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर दिखता है। तीव्र अग्नि से वहाँ की भूमि दहकते रहती है और दहकते हुए अग्नि में यमदूत उन पापियों को डालते हैं, जिसकी जलन से वह आत्मा इधर उधर जोर जोर से चिल्लाता हुआ भागता है। वह उस अग्नि की जलन से उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वह फोड़े फूट फूट कर बहते हैं, जिससे उस आत्मा को असहनीय पीड़ा उत्पन्न होती है। उस नरक की पीड़ा को सहने के बाद यमदूत उसे दूसरे नरक में डाल देते हैं। भगवान विष्णु पक्षीराज से कहते हैं कि ये तुम्हें मैंने रौरभ नामक नरक के बारे में बताया है, अब तुम महारौरभ नामक नरक के बारे में सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के वर्ण वाला है, उसके नीचे अग्नि जलते रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभाव के समान क्रांतिमय रहता है। पापी प्रवृत्ति के आत्मा को इसे देखने में अति भयंकर प्रतीत होता है। यमदूत उसी गड्ढे में पापात्मा को हाथ पैर बांधकर लुढ़का देते हैं और वह आत्मा लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। उस मार्ग में कौवा, चील, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, बिच्छू आदि जीव जंतु उसको नोचते खरोचते हैं। वह आत्मा उस तपती हुई भूमि पर उस जीव जंतुओं को आक्रमण से इतना संतृप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चीखने चिल्लाने लगता है। वह कष्ट में इतना बेचैन हो जाता है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो नरक मिलता है उसका नाम अतिशील है। वह संभवतः अति शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार है। यह नरक गहन अंधकार से व्याप्त है। असह्य कष्ट देने वाला यमदूतों द्वारा पापी जन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं, अतः वह एक दूसरे को आलिंगन करते हुए वहाँ की भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेकों कष्ट दिए जाते हैं। वहाँ का हिमखंड का वहन करने वाली हवा इतनी ठंड होती है कि पापात्मा की हड्डियाँ तक जम जाती है। भूख प्यास से त्रस्त होकर वह आत्मा अपने ही अस्थि व मज्जा रक्त आदि को खाना शुरू कर देता है। उसके बाद जो अगले नरक का वर्णन है उसके विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति असंख्य पाप करते हैं वह निकृंतन नामक नरक को भोगते हैं। इस नरक में कुम्हार के चक्र के भ्रांति चक्र चलते रहते हैं, जिसके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों द्वारा अंगुली में स्थित कालसूत्र में उसके पैरों से लेकर सिर तक छेदा जाता है, फिर भी उसका प्राणांत नहीं होता। इसके शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न हो जाते हैं और वह पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पापकर्मियों को वर्षों तक दंडित करते रहते हैं। इसके बाद एक और नरक है जिसका नाम अप्रतिष्ठ है। इस नरक में जाने वाले पापियों के लिए एक प्रकार का रहट लगा हुआ है। जब तक 1000 वर्षों का चक्र पूरा नहीं होता तब तक यह रहट चलते रहता है और इस चक्र में पापात्मा को बांध कर घुमाया जाता है। इतनी भयानक रूप से उसे दंडित किया जाता है कि उसकी आँखें निकल जाती है। इसके बाद जो नरक का जिक्र है वह है असी पत्र वन। इस नरक की संपूर्ण भूमि अग्नि से भरा 1000 योजन में फैला हुआ है। इस तरह से वहां 7 सूर्य का ताप होता है जिससे पापी के शरीर जलने लगते हैं। इस नरक में अति भयानक कुत्ते होते हैं जो उस पापी को नोचकर खाते हैं। उसके बाद जो नरक आता है वो है तप्त कुंभ, जहाँ चारों ओर गर्म घड़े फैले हुए हैं जिसके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल
और लोहे के चूर्ण से भरा रहता है जिसमें पापियों को औंधे मुंह डाल दिया जाता है। उसके बाद यमदूत उसे नुकीले हथियारों से गूंथते हैं जिससे उस पापी आत्मा के शरीर की हड्डी व मांस आदि सब अलग अलग हो जाते हैं, जिस पर गिद्ध आदि झपट्टा मारते हैं, लेकिन यमदूत उस मांस के टुकड़े को भी उस घड़े में डाल देते हैं। इस प्रकार रौरव, महारौरव, अतिशीत, निकृंतन, अप्रतिष्ठ, असी पत्रवन एवं तप्त कुंभ ये सात सबसे बड़े नरक हैं। इसके अलावा भी गरुड़ पुराण में और भी नरकों का वर्णन किया गया है जो अति भयावह है, जैसे रोध, सूबर, तल, महाज्वाल, विमोहन, कृमि, कृमिभक्ष आदि, जो सभी यम के राज्य में स्थित हैं। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं गरुड़ पुराण के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।